एवरीवन, गुड मॉर्निंग मुंबई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, आज मैं आ गया हूँ फाइनली मुंबई में। मुंबा देवी के दर्शन ऑलरेडी कर लिया हूँ मैंने, और फाइनली मेरे साथ है उगन चचा, वही मुझे घुमा ले। अभी हम लोग मरीन ड्राइव जाने वाले हैं, वहाँ से थोड़ा घूमते हुए निकलेंगे घर की ओर। तब तक ट्रैवल का मजा लीजिए और आनंद लीजिए। मेरे पीछे देख सकते हैं मेरा भाई है, रूपलाल भी है, और ये है। तो देखते हैं ये लोग को कैसा मजा आया मुंबा देवी के दर्शन करने के बाद, कैसा अनुभूति हो रही है। बहुत आनंद लग गया हम लोग को, पूरा मन हरियाली हरियाली हो चुका है। तो फाइनली रियलिटी है गाइज, एक बार माँ के चरणों में सर रखने का आनंद ही कुछ और है। तो फाइनली अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं आगे मरीन ड्राइव की ओर, ठीक है। तो आगे का दृश्य दिखाता हूँ, किस तरह से हमें रोड का सामना करना पड़ेगा। फोटो भेज दिया, मुझे फोटो खींचना ऐसा खींच रहे। भाई मोबाइल जमा हो जाए अभी, खड़ा रहा फोटो खींच। तो फाइनली देख सकते हैं गाइज, फाइनली देख सकते हैं आप किस तरह से हम लोग। तो गाइज देख सकते हैं नजारा, क्या सो लुकिंग नाइस नजारा है गाइज। फाइनली आफ्टर आई विल बी बैक 2 इयर्स, तो आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव का नजारा, और काफी नजदीक ले जाके आपको सामने का दृश्य दिखाएंगे। मछली घर यहाँ से हम लोग क्रॉस किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आसपास का नजारा और रोड, सो वंडरफुल। बहुत ही सुकून और अनुभूति महसूस हो रही है, क्योंकि आई विल बी बैक आफ्टर 2 इयर्स गाइज। मैं यहाँ से लीव लिया था 2 इयर्स, बट सम प्रॉब्लम मैं रिटर्न आ चुका हूँ मुंबई में, और मुंबई का नजारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। सामने आपको दिख पा रहा होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे स्टेडियम है गाइज, और देखिए ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं, और जहाँ तक हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा गाइज। ब्लॉग का आनंद लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। सामने देख सक रहे हैं, सामने देख पा रहे होंगे ट्राइडेंट वाला बिल्डिंग दिख रही है आपको, जो चर्चगेट के काफी नजदीक है, वहां से एकदम नजदीक दिखती है। और मेरे राइट साइड में पूरा मरीन ड्राइव है गाइस, यहाँ का लुक देखिए, और ये देख पा रहे होंगे कितनी स्पीड में चला रहे हैं, वह चचा ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग अपने अपने काम पे व्यस्त है। तो गाइस अभी मरीन ड्राइव पे की और आपको लेके चलता हूँ, बने रहिए ब्लॉग में। चर्चगेट हम आ चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं नजारा सो लुकिंग वंडरफुल आप लोगों को दिखाने वाले हैं। जैसे कि हमारा गाड़ी पार्किंग में लगने वाला है, हम लोग जगह ही ढूंढ रहे हैं पार्किंग का। गाइस देख सकते हैं एक से एक यहाँ पे वीडियो शूटर आए हैं, कैमरे के साथ शूटिंग कर रहे हैं, और हम लोग भी देखिए थोड़ा सा लुक दिखा दे रहे हैं। वाओ वंडरफुल। तो गाइस अभी क्या ही बोल सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त नजारा। ताज होटल का सीन आप देख सकते हैं, कितना है भाई चर्च गेट में हम लोग हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नजारा। अभी सामने एक भाई साहब हैं जो पार्किंग का पैसा मांग रहे हैं, जैसे पार्किंग का पैसा देते वैसे हम लोग सो लुकिंग नजारा आप लोगों को दिखाते हैं गाइस। वंडरफुल नजारा है बहुत ही, बस उतरने वाला हूँ मैं। तो गाइस देख पा रहा होगा मेरे पीछे ताज होटल, ये भाई साहब है हमारे ही गांव के। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सूरज मॉर्निंग में उड़ रहा है, और क्या नजारा है। काफी वंडरफुल नजारा है गाइस, सो लुकिंग ब्यूटी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ताज होटल का आपको नजारा दिखा रहे हैं, क्या नहीं ब्यूटी है एकदम। सामने गेट ऑफ इंडिया क्या ही जबरदस्त नजारा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक एक जूम करके वोट दिखा रहा हूँ पूरा। अभी एकदम शांत है, एकदम मॉर्निंग का समय है गाइस,
और इस टाइम पे आए हैं कि ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही सुबह होती है 10 बजे का, सब वोट इधर का उधर हो जाएंगे। इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग एक दिन एलिफेंटा का भी नज़ारा देखेंगे एक दिन। तब तक के लिए जैसा कि देख पा रहे हैं फोटो निकालने बोल रहे हैं, बट मैं फिलहाल तो वीडियो बना रहा हूँ। सो लेकिन वंडरफुल गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एक से एक बंगला है जो कि काफ़ी वंडरफुल नज़ारा है। तो देख पा रहे हैं मेरे पीछे ताज होटल, और यहाँ पे मेरे साथ में है सब लोग, अपना अपना फोटो खिंचा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में आप देखें तो वंडरफुल नज़ारा है पानी में, सो क्यूट नज़ारा है और काफ़ी बेहतरीन, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सब लोग अपने अपने फोटो शूट वीडियो शूट में लगे हैं, और मेरे बैकग्राउंड में आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो इसी के साथ गाइज बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो ब्लॉग का आनंद लीजिए। अभी मरीन ड्राइव भी जाने वाले हैं दोस्तों। अभी ये क्या है, ये तो स्टार्टिंग है अभी यार। तो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। तो क्या बात है दोस्तों, देख सकते हैं सुबह सुबह हो चुकी है। रोड का नज़ारा देखिए कितना क्लीन है, और रोड अभी खाली ही नज़र आए। क्यों? क्योंकि अभी मॉर्निंग के बजे हैं 7। ओके, इसलिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्डिंग का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए रियली गाइस, मुंबई में हूँ मैं यार, समझो यार। देख पा रहे हैं गाड़ी का नंबर, देखो MS से स्टार्ट होता है। मैं मुंबई में हूँ, देखिए ओला उबर वाले। यहाँ पे देखिए मंत्रालय है सामने, हमारा तिरंगा झंडा दिख रहा है। अभी तो आए हो आप लोग, विश्वास कर ही सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग यार हमारे झारखंड में तो नहीं है, मुंबई में है। ओके, तो फाइनली देख पा रहे हैं सिग्नल रेड है इसलिए रुके हम। ओके, सिग्नल जैसे ही ग्रीन होती है हम निकलेंगे। तो फाइनली दिल थाम के बैठे है, यहाँ पे जो आगे दिख रहा है हमारा समुन्द्र का नजारा है, लेफ्ट राइट साइड में स्टेडियम और पूरा मरीन ड्राइव हम दिखाने वाले हैं गाइस। यहाँ भी सिग्नल लग गया गाइस, देख पा रहे होंगे रेड सिग्नल है और हो गया फाइनली ग्रीन और हम निकल चुके हैं। ये देख पा रहे हो नज़ारा, देखिए नज़ारा देखिए क्या काफ़ी सो नाइस वंडरफुल है। और अभी गाड़ी खड़ा करने का जहाँ हमें मिलेगी पार्किंग वहीं खड़ा करने वाले, देखिए नज़ारा देखिए सामने का, आप देख पा रहे होंगे वानखेड़े स्टेडियम। तो यहाँ पे देखिए गाइस क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, और फाइनली देखिए दोस्तों, अभी कुहास का मॉर्निंग का समय है, क्लियरिटी नहीं नज़ारा क्या नज़ारा। नहीं भाई चाय पी लिए, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है गाइस। ये देखिए रूपलाल भी आया मेरे साथ, हाय बोलो। ये खुशी वाली बात नहीं हुई, तुम देख के ही नहीं बोल रहे हो, ऑडियंस समझेगी, ऐसे कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर मेरा दोस्त रिस्पांस नहीं दिया तो मैं वीडियो कट कर दूंगा अपना। ये देखिए दो लोग वहाँ बैठे हैं आसपास का। ये देखिए सामने है गाइस, हम आपको वानखेड़े स्टेडियम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वानखेड़े स्टेडियम, लाइट लगी है ना उसी के अंदर है व्हाइट कांगड़े, एकदम नज़दीक नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग गाड़ी में फोर व्हीलर में उतरे नीचे। ये देखिए यहाँ पे त्रिकोण मिति की सारे पत्थर्स लगे हुए हैं और काफ़ी बेटर लुक नज़ारा है। अभी पानी चढ़ा हुआ है गाइस, शाम के टाइम पे यहाँ पे पब्लिक नीचे भी उतर जाती है क्योंकि पानी सूख जाता है, और अभी ठंडी के मौसम में पानी उतना नीचे नहीं जाती है, गर्मी के टाइम पर पानी का स्तर नीचे चला जाता है। यहाँ जो भरा भरा आपको पानी दिख रहा है वहाँ पे खाली है, नीचे उतर के हम लोग बैठते हैं। काफ़ी वंडरफुल और बेटर नज़ारा है।